उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक पत्नी ने शराबी पति से तंग आकर एसपी महोबा से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि पति और ससुरालिये द्वारा उसके जबरन 1,00,000 रुपये और एक चौपहिया वाहन की खुलेआम मांग की जा रही है, जिसे पूरा न करने पर आए दिन उसे प्रताड़ित किया जाता है। दहेज प्रताड़ना से जुड़ा ये प्रकरण कबड़ई थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहोल का है। मीरा का आरोप है कि आए दिन पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है, जिसके चलते अब उसे अपने मायके से रहकर गुजर बसर करना पड़ रहा है। मीरा और विकास की शादी हुई काफी लंबा वक्त गुजर चुका है, बावजूद इसके उसके साथ अभी भी पति द्वारा आए दिन मारपीट की जाती है। एसपी महोबा सुधा सिंह से न्याय मांगने की पहुंची मीरा ने बताया कि 2016 में उसकी शादी राठ थाना क्षेत्र के टोला रावत गाँव में हुई थी। तब से लगातार आज तक उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिलहाल वह कबड़ई थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में रह रही है, जहां आए दिन उसका पति विकास उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देता है, जिसकी शिकायत उससे कई बार की है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते अब उसे न्याय पाने के लिए एसपी महोबा से फरियाद लगानी पड़ रही है। विराट 24 के लिए महोबा से कौशलेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। कहाँ से आई हैं? टोला रावत से कबड़ई में रह रही हूँ। क्या परेशानी है आज पुलिस अधीक्षक? पति आए दिन दारू पी के मारपीट करता है, घर का राशन पानी बेचता है, दारू पी के बच्चों को ख्याल नहीं रखता, ये जुआ भी खेलता है, ससुर है तो सब गलत तरीके से गलत करते हैं हमारे साथ। उसके पहले कहीं इससे पहले कहीं शिकायत की? एप्लीकेशन लगाई हमने, कई बार पुलिस में फ़ोन किया, पर एक दिन मेरी बात छूट के आ जाता, फिर वही ड्रामा करने लगता है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आई हो, क्या कार्रवाई करती हो? यही चाहते कि ये हमसे अलग हो जाए, हमें इससे कोई इसके साथ रहने का कोई संबंध नहीं है। जो इंसान हमारी इज्जत ही ना करे उसके साथ रहना ही बेकार है।